हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में, इंग्लिश स्पीकिंग के इस कोर्स में। आज हम मॉड्यूल 5 में पहुंच चुके हैं, मॉड्यूल 4 के यूनिट 5 में, जो हमारा लास्ट मॉड्यूल है। अगर आप पहली बार से जुड़ रहे हैं तो पहले के मॉड्यूल्स अवश्य देख लें, जिसमें आप अगर बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग, तो ये कोर्स आपके काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि इसके बाद एडवांस लेवल भी आपके लिए जल्दी आने वाले हैं जैसे ही ये मॉड्यूल कंप्लीट होगा। तो हैंडलिंग अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आज हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप डे टू डे लाइफ में इंग्लिश की आप ग्रामर पढ़ लेते हैं या अदर चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ में यूज़ करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो ये कोर्स उसी के लिए है कि आप डे टू डे लाइफ में, अब अगर अभी तक की यूनिट्स आपने अच्छे से देखी हो, उनमें प्रैक्टिस करी हो, तो आपको लगभग जिन जिन प्लेसेस में हम जाते हैं या जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वो सब कवर हो चुका है। कुछ प्लेसेस, कुछ जो चीज़ें बची हैं जैसे ओपिनियन या किसी को डायरेक्शन बताना है, तो उससे रिलेटेड हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो हैंडलिंग अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी कि ओपिनियन मीन्स हो गया आपके जो विचार हैं वो हमेशा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो सकते हैं, तो आपने कैसे उसे टैकल करना है या हैंडल करना है। आपने उसमें अपना एंगर नहीं पोट करना है कि आपकी बात से कोई सहमत नहीं है या इस तरह से, तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एन ओपिनियन। एन ओपिनियन इज ए पॉइंट ऑफ व्यू, बिलीफ और जजमेंट अबाउट एन इश्यू और टॉपिक। जब भी किसी टॉपिक की बात करें या जजमेंट की बात करें, आपको निर्णय लेना हो, ठीक है, या आप किसी चीज़ के बारे में कैसा आप सोचते हैं या आपका क्या विश्वास है, उसके बारे में ही जो है ये आपका दृष्टिकोण बताता है, ठीक है। किसी चीज के बारे में निर्णय लेना या किसी चीज के बारे में आपका क्या विश्वास है, क्या कहना चाहते हैं आप। एन ओपिनियन इज ऑल्सो एन एटीट्यूड और अ वे ऑफ लुकिंग सिचुएशंस, यानी कि आप कैसे परिस्थितियों को देखते हैं इसके बारे में भी आपका विचार होता है। हाउ आर ओपिनियंस फॉर्म्ड, अभी ओपिनियंस बनते कैसे। एन ओपिनियन मे बी रिजल्ट ऑफ ए पर्सन पास्ट एक्सपीरियंसेस। पहला तो इसमें आता है कि आपके जो पूर्व के अनुभव हैं उसके आधार पर आपका एक्सपीरियंस बनता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं, ठीक है, आपने मान लीजिए कोई जॉब की, आप में वहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं लिया, ठीक है, तो वो आपका यह होगा एक तरह का एक्सपीरियंस हो गया। अगर कोई कल के दिन वहाँ पर जॉब करने जा रहा है तो आप उसको एडवाइस दे सकते हैं या अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि ये मेरा इस तरह से वहाँ के रिलेटेड अच्छा नहीं रहा या अच्छा रहा तो क्यों अच्छा रहा, इस तरह से आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। जैसे फैमिली या सोशल बैकग्राउंड भी उसका हो सकता है आप लोगों का, कि आपका कोई ओपिनियन बनता है तो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है या सोशल बैकग्राउंड किस तरह का आपका, तो उसी तरह से आपके विचार भी बनते हैं। वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि आपका देखने का नज़रिया कैसा है, सोचने का नज़रिया कैसा है, इस पर भी आपका ओपिनियन डेवलप होता है। इंटेलिजेंस की बात करें तो आपके बौद्धिक स्तर का भी इसमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और बिलीव्स, ठीक है, बिलीव्स यानी कि जो आपके विश्वास हैं कि आप कोई चीज़ मानते हैं कि ऐसी होनी चाहिए या ऐसी ही होती है, तो वो आपका ओपिनियन बन जाता है। और डिजायर्स, आप कुछ चीज़ें चाहते हैं तो उसके लिए अपना ओपिनियन देते हैं, ठीक है। ऐसे ही इन माई ओपिनियन, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि इन माई ओपिनियन ऑल स्कूल्स मस्ट टीच टिल 5 इन द इवनिंग, ठीक है, ये किसी एक व्यक्ति का विचार है कि सारे जितने भी स्कूल्स हैं उनमें शाम 5 बजे तक पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही क्रिकेट शुड बी डिक्लेयर्ड अ नेशनल गेम, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि क्रिकेट को ही ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है और क्रिकेट के फैंस भी ज़्यादा हैं, तो इस तरह से किसी का विचार है कि हमारा जो राष्ट्रीय खेल है उसे क्रिकेट ही कर देना चाहिए। एवरी वन मस्ट स्लीप बाय 8 o'clock, और किसी का ये विचार हो सकता है कि हर किसी को जो है 8 बजे तक अवश्य सो जाना चाहिए। यू डोंट नो एनी थिंग, और आप कुछ नहीं जानते, जैसे कभी लोग अनानास भी बोल देते हैं किसी टॉपिक पर, अगर किसी से बात हो रही हो तो कह देते हैं कि किसी का विचार हो सकता है आपके बारे में कि आप कुछ नहीं जानते, ठीक है, इसलिए कहा जाता है। इंडिया इज गोइंग टू बी अ सुपर पावर, और आने वाले समय में जो है इंडिया एक सुपर पावर होने वाला है, तो ये क्या है, किसी के विचार है, किसी ओपिनियन है। रिमेंबर, अब जो महत्वपूर्ण बातें आती हैं याद करने के लिए, कि एन ओपिनियन इज ए वे ऑफ थिंकिंग, ये क्या एक तरह से सोचने का तरीका है।
यू मस्ट रेस्पेक्ट अदर्स पीपल्स ओपिनियंस, आपको जो है दूसरे व्यक्तियों का ओपिनियन की हमेशा क्या करनी है, रेस्पेक्ट करनी, सम्मान करना है। ईच वन ऑफ अस इज फ्री टू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, हर किसी का क्या हो सकता है, अपना एक दृष्टिकोण हो सकता है, ठीक है, और उसका रेस्पेक्ट भी करना चाहिए। वी शुड नॉट फोर्स आवर ओपिनियंस ऑन अदर्स, ठीक है, क्योंकि हो सकता है जो चीज़ आपके लिए सही हो वो किसी अन्य पर लागू ना होती हो, तो हर सिचुएशन में आप अपने ओपिनियन दूसरों पर लागू नहीं कर सकते। हैविंग एन ओपिनियन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एन एक्टिव माइंड, ठीक है, एक एक्टिव माइंड का जो है रिफ्लेक्शन बताता है, ठीक है, कि अगर आपके पास विचार हैं, आप अपने विचार रख सकते हैं, तो इसका मतलब कि आप जो है थिंकिंग कर रहे हैं, और थिंकिंग करने से क्या होता है, जो हमारा माइंड है वो एक्टिव होता है। तो इसलिए अगर आपके पास विचार है तो ये प्रदर्शित करता है कि आपका माइंड एक्टिव है। हैंडलिंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ठीक है, अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मस्ट बी रेस्पेक्टेड बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, हमेशा जैसे एक चीज के कहते हैं दो पहलू होते हैं, तो हमेशा जो है आपको दूसरे के ओपिनियन जो है डिफरेंस है तो उसको भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि एक नया दृष्टिकोण भी इससे मिलता है, आप उस तरीके से भी सोच सकते हैं कि जो सामने वाला कह रहा है कि उसकी बात सही है या नहीं, तो उसमें आप जो है अपने आप की थिंकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डज नॉट मीन एंड ऑफ ए फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप, ठीक है, अगर आपके विचारों में भिन्नता है तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेंडशिप का या आपके जो रिलेशनशिप है वो खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, कनिका एंड मीता आर वेरी गुड फ्रेंड्स, इवन दो कनिका फील्स दैट द इंटरेस्ट इज ए सॉरी द इंटरनेट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम व्हाइल मीता फील्स इट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे कनिका और मीता दोस्त हैं, तो कनिका का ये मानना है कि इंटरनेट क्या है, एक तरह से समय की बर्बादी है, जबकि मीता ये मानती है कि यह एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये क्या है कि जानकारी का साधन है, ठीक है, जानकारी प्राप्त करने का साधन है। तो क्या है, दोनों अपने अपनी जगह सही हैं और दोनों के ओपिनियंस मायने रखते हैं। इफ समवन डज नॉट एग्री विद आवर ओपिनियन इट डज नॉट मीन दैट ही और शी डिसलाइक्स इट, ठीक है, अगर कोई हमारे विचारों से सहमत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे पसंद ही ना करता, ठीक है। लर्न टू एडजस्ट एंड एक्सेप्ट अदर पीपल्स ओपिनियंस व्हिच मे बी डिफरेंट फ्रॉम योर्स, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए कि एक तरह से एडजस्ट करना चाहिए और एक्सेप्ट करने चाहिए दूसरे के ओपिनियन, ठीक है, जो आपसे भिन्न हो सकते हैं, क्या है। रिस्पेक्टिंग अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज ए साइन ऑफ मैच्योरिटी, अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो ये क्या है कि आपके परिपक्वता का प्रमाण है, ठीक है, कि आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं जैसे, या आप कुछ भी अपना जो है उसको फोर्सफुली अपने ओपिनियन मानने के लिए नहीं कह रहे हैं, तो ये क्या आपकी परिपक्वता को एक तरह से चिन्हित करता है। इससे रिलेटेड अगर ऑडियोज हैं तो वो सुन लेते हैं। ऑडियो में आपका ये इसमें जो मेन वर्ड्स है प्रोनाउंसिएशन के लिए वो आपको सुनाई देंगे। Unit 5, Audio 8. Solution. Adjust. Accept. Judgment. Attitude. Respect. Extreme. Maturity. Satisfy. Active. इस ऑडियो में जो वीडियो है उसके माध्यम से हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। Hello, how are you today? Fine, thank you, sir. Well, what do you think are the most important work areas for a manager? I believe that managers need to make quick decisions, manage people, and must always be learning. If I were you, I would say that managers do not always need to learn. They know so much. Well, I'm pretty sure
that a manager can become more efficient and effective only if he or she is willing to constantly learn new things. तो यहाँ पे बात हो रही थी एक मैनेजर के क्या क्या दृष्टिकोण हो सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में जो है बताया गया था कि एक कह रहा है कि मैनेजर जो ऑलरेडी है वो बहुत कुछ जानता है, उसे कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कहता है कि जो एक अच्छा मैनेजर होगा वो कंटिन्यूसली सीखना चाहेगा कोई भी नई नई चीजें। उम्मीद करता हूँ आपको ये यूनिट अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज ये 6 यूनिट भी स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, या कहीं पे भी आप जा रहे हैं इंटरव्यू में, तो गिविंग डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस एंड गेटिंग असिस्टेंस, ठीक है, आपको जो है डायरेक्शन किसी को निर्देश देना, ठीक है, अनुदेशन देना या सहायता देना, ठीक है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। वाइल गिविंग डायरेक्शन और इंट्रक्शन रिमेंबर, ठीक है, जब भी आप किसी को इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं या डायरेक्शन दे रहे हैं तो आपको क्या याद रखना है, यू मस्ट नो द डायरेक्शंस वेल, ठीक है, जब भी आप किसी को दिशा बता रहे हैं तो आपको जो है अच्छे से खुद पता होना चाहिए, यू मस्ट बी एबल टू गिव इंस्ट्रक्शंस क्लियरली, और जब भी आप किसी को कोई भी आदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो आप साफ साफ जो है दे सकें, योर डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी क्लियर एंड ईजी टू फॉलो, ठीक है, तो जब भी आप किसी को डायरेक्ट करते हैं या इंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपके जो डायरेक्शन है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए और ईजी होनी चाहिए फॉलो करने के लिए। मेक श्योर वॉट यू हैव सेड इट अंडरस्टूड, ठीक है, आपको ये श्योर करना हो कि आपने जो कहना है वही बात जो है दूसरे व्यक्ति तक भी पहुंचे। इफ देयर इज एनी प्रिकॉशन और सम अदर इम्पोर्टेंट थिंग विच यू फील द अदर पर्सन शुड नो, देन यू must share the same. For instance, if someone have asked you for directions to the post office at 4 o'clock and you know it shuts at 3, you must let the person know. ठीक है, तो आपको जो है कुछ सावधानियां भी बरतनी होती है जब भी आप किसी को जो है डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि अगर आपसे कोई 4 बजे पूछ रहा है पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो आपको एक पता होना चाहिए कि पोस्ट ऑफिस 3 बजे बंद हो जाता है, तो आपको जो है उस पर्सन को बताना होगा कि पोस्ट ऑफिस तो 3 ही बजे बंद हो जाता है, तो इस तरह से जो है आपको कुछ प्रिकॉशन भी रखने होते हैं। वाइल आस्किंग फॉर असिस्टेंस रिमेंबर, जब भी आप सहायता की बात करते हैं, जब भी आप किसी से सहायता की बात करें तो आपने क्या याद रखना है, बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू नो, स्पीक योर थॉट्स क्लियरली, जब भी आप किसी चीज़ की सहायता मांगने जाते हैं, किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप क्या जानना चाहते हैं पहले तो एक खुद आपको क्लियर होना चाहिए और अपने जो विचार हैं उनको सही से बताना चाहिए साफ साफ तरीके से। डू नॉट फील एंशियस और हेल्पलेस, स्टे काम, ठीक है, कभी भी जो है चिंता एक तो नहीं होना चाहिए या अपने आप को जो है असमर्थ नहीं समझना चाहिए, ठीक है, हमेशा जो है शांत बनने रहना चाहिए। लिसन केयरफुली टू द डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पे मेन बात आती है कि आपने जो है ध्यान से सुनना है जो भी डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन आपको निर्देश दिए जा रहे हैं। आस्क टू रिपीट इफ देयर इज समथिंग यू डू नॉट फॉलो, ठीक है, आप किसी चीज को अगर अच्छे से सुन ना पाए हो या समझ में ना आए तो आप जो है दोबारा जिस व्यक्ति से असिस्टेंट ले रहे हैं तो उससे जरूर पूछिए। रिपीट व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, और अपना जो आप समझ गए हैं वो सामने वाले को एक बार बोलिए कि मैं ये समझाऊं, क्या मैं सही समझाऊं, ठीक है, कि मतलब आपसे आपने मान लिया किसी से सहायता मांगी, उसके बाद आपने कहा ठीक है मैं समझ गया और आप चले गए, लेकिन हो सकता है कि जो उसने एडवाइस दी हो वो आप पूरी तरह से फॉलो ना कर पा रहे हो, तो इसलिए पहले एक बार उस व्यक्ति को क्लियर कर लीजिए कि आप जो समझे। थैंक द पर्सन हु हैज गाइडेड, और ये कटेसी में भी आता है कि आपने थैंक यू बोलना है जिस पर्सन ने भी आपको निर्देश दिया। Whether you are giving instruction or asking for help, it is very important to remember. जब भी आप किसी को निर्देश दे रहे हो या help के लिए कह रहे हो तो ये हमेशा याद रखना है। To be pleasant, सबसे पहले तो प्रसन्न रहना है। Be helpful at all times. अब जब आप किसी से assistance ले रहे हैं तो आप जो है आपको हमेशा जो है सहायता देने वाला होना चाहिए, ठीक है,
नॉट टू मेक अनदर पर्सन फील स्मॉल फॉर आस्किंग. ठीक है, अगर किसी ने कोई आपसे पूछ लिया तो उसको हम कभी भी छोटा नहीं बताना चाहिए. नॉट टू फील सेल्फ इम्पोर्टेंट बिकॉज यू आर इन ए पोजिशन टू हेल्प. ठीक है, जब आप हेल्प ले रहे हैं किसी से तो अपने आप को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानना चाहिए. बी पोलाइट एंड फ्रेंडली, और हमेशा जो है एक पोलाइट नेचर होना चाहिए आपका. ठीक है, और एक दोस्ती भरा जो है व्यवहार आपने करना चाहिए. वॉकिंग विद रिया. ठीक है, अभी इसमें ऑडियो भी होगा शायद, इसको देख लेते हैं. अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको इसको क्लियर करूंगा. ऑडियो क्लिप में है तो अच्छी बात है, देख लेते हैं. यूनिट 6 इसमें ऑडियो एक ही है, पहले इसको सुन लेते हैं. यूनिट 6 ऑडियो 9 पोजीशन असिस्टेंस एंग्शियस काम एडिशनल ग्रेटिट्यूड सस्टेन स्ट्रेन स्केल गाइड. इसके बाद वीडियोस देख लेते हैं, अगर वीडियो में हो कुछ हो तो. हाँ, इसमें बहुत से वीडियो हैं तो वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा इस यूनिट का पूरा. इनको चला लेते हैं. Excuse me, can you please tell me where the nearest ATM is? Well, the nearest one is at the IBT building. Where is that? Go straight ahead and turn right at the roundabout. Right at the roundabout. Okay, then? Keep going straight. Turn left. And the IBT building is just around the corner. Thanks a lot. No problem. Next, take the... Where do you live, Srila? I live on Nehru Road. Where do you live? I live on Park Street, next to Manish's house. Is that far away? No, it's nearby. Where do you live, Srila? Excuse me, is there a supermarket near here? Yes, there's one near here. How do I get there? At the traffic lights, take the first left and go straight on. It's on the left. Is it far? Not really. Thank you. Don't mention it. How do we go to the hotel? Do you know the way? No, let's ask someone. Good idea. Let's ask the man over there. Excuse me, can you please tell me the way to Hotel Akash? Take the first right at the end of this road. It is the first building. Is it on the right or on the left of the road? I think it is on the right. Thank you. Excuse me, can you please tell me where the nearest ATM is? Well, the nearest one is at the IBT building. Where is that? Go straight ahead and turn right at the roundabout. Right at the roundabout. Okay, then? Keep going straight. Turn left. And the IBT building is just around the corner. Thanks a lot. No problem. Excuse me, am I going the right way to the Great Bazaar? No, you need to go back. Oh, have I come too far? No, not really. Can you please tell me how to get there? Head back on this road till you arrive at the crossroads. Turn right and you are on the High Court Road. Look out for a large pink building which says Hotel Rose. Great Bazaar is next to the hotel. Okay, thank you. You're welcome. Where do you live, Srila? I live on Nehru Road. Where do you live? I live on Park Street, next to Manish's house. Is that far away? No, it's nearby. Excuse me, can you please tell me where the nearest ATM is? Well, the nearest one is at the IBT building. Where is that? Go straight ahead and turn right at the roundabout. Right at the roundabout. Okay, then? Keep going straight. Turn left. And the IBT building is just around the corner. Thanks a lot.
No problem. Excuse me, can you please tell me the way to Hotel Akash? Take the first right at the end of this road. It is the first. तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे अभी तक समझ लिया होगा कि किस तरह से जो है, जब भी आप किसी को डायरेक्शन दें या इंस्ट्रक्शन दें तो किस तरह से आपने देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये यूनिट्स भी अच्छी लगी होंगी, इसके बारे में अपनी राय दीजिएगा और अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।